आइए आपको सीधे इस समय हम झारखंड के जमशेदपुर लिए चलते हैं। ये जो भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिनका रोड शो चल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अमित शाह ने ये रोड शो किया है और हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत। अमित शाह जी, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि जीत होने वाली है यहाँ पे बीजेपी की, फॉर्मूला क्या होने वाला है, उस जीत के फॉर्मूला क्या है? हम पहली बार नहीं जीतने जा रहे हैं, यहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनी है। लोकसभा में भी हमारा 45 विधानसभा सीटों पर बहुमत है और जिस तरह से 5 साल जेएम कांग्रेस की सरकार में इनके नेताओं के यहाँ से करोड़ों रुपया, 350 करोड़ रुपया एक नेता से घर से पकड़ा जाना, 30 करोड़ रुपया मंत्री के पीए के घर से पकड़ा जाना, सैकड़ों पेपर भर्ती के लीक हुए हैं, माताओं बहनों का सम्मान नहीं है और घुसपैठ की समस्या से पूरा ट्राइबल समाज न केवल चिंतित है, आक्रोशित भी है। सर, आप लोग लगातार बांग्लादेश घुसपैठी का मामला उठा रहे हैं, घुसपैठियों का मामला उठा रहे हैं और अब हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों कह रहे हैं कि झारखंड का कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लेना देना नहीं है। ऐसे में झारखंड की सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? देखिए, आप भी पत्रकार हो, आप एक बार बॉर्डर पर जाकर आइए, कई सारे नदी नाले हैं, कई सारे वनीय विस्तार है जहां फेंसिंग नहीं होती है, मगर गांव में जब घुसपैठिया आता है उसको नागरिक कौन बनाता है? कलेक्टर की मंशा के बगैर हो सकता है क्या? पटवारी की मंशा के बगैर हो सकता है क्या? स्थानीय थाना क्या कर रहा है? हमने आसाम में पूरी घुसपैठ को रोका है, यहाँ पर भी बीजेपी सरकार बनने के बाद घुसपैठ को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। स्थानीय प्रशासन जब तक सहयोग नहीं करता, घुसपैठ रोकना असंभव है। क्या सर, कोई कानून भी बीजेपी लेके आने वाली है? आदिवासी महिलाओं के साथ शादी की बात की जाती है, क्या कोई कानून भी उन शादियों को रोकने के लिए यहाँ लाया जाएगा? जी, हमने घोषणा पत्र में कहा है, शादी के बाद जो भेंट का रूप में जमीन दे देते हैं, इसको हम रोकने का काम करेंगे।